हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शाहिद सैयद, सो वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है 17th of June 2020 को, जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। आप लोग को पता है कि ICSI के एग्जाम्स होता है जून में, जून 2020 का जो एग्जाम्स होने वाला था, जो ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो गया था, जो अगस्त में कंडक्ट होने वाला था दोस्तों, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के, मेंबर्स के रिकमेंडेशंस आ रहे थे, उनके मैसेज आ रहे थे इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आप कंप्लीटली कैंसिल कर दो। इसी से रिलेटेड जैसे ICSI और ICAI दोनों को ये सेम चीज़ों का फेस, यानी सेम इश्यूज फेस करना पड़ रहा था उनको ट्विटर अकाउंट में। अगर आप ट्विटर पे ट्रेंड देखेंगे तो CA और CS के एग्जाम्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थे। तो उससे रिलेटेड ICAI ने तो 15th ऑफ जून को एक ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद अनाउंसमेंट करने के बाद ऑप्ट आउट ऑप्शंस का अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट करने के बाद उन्होंने FAQs भी इशू कर दिया कि एग्जामिनेशन सेंटर में आप लोग को किस तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड कर दी जाएगी, मतलब हर चीज की सेफ्टी रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगा, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से सारी चीजें एग्जामिनेशन सेंटर में फॉलो की जाएगी। तो जिसको एग्जाम्स देना है वो डेफिनेटली दे सकते हैं, जिसको अगर जरा सी भी डर है कि अगर एग्जामिनेशन ड्यूरेशंस में उनको कुछ भी किसी भी तरीके का, यानी एक बोलते हैं ना कोविड का जो डर लोगों में बैठा हुआ है, अगर वो किसी भी तरीके का डर है तो वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। और उनको जो फीस है वो जैसे मई की फीस है वो नवंबर में एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर वो दोनों ग्रुप देना चाहते हैं तो सिर्फ उनको जो सेकेंड ग्रुप जो एप्लीकेबल होगा उसकी फीस देना पड़ेगा। तो सेम डिसीजन ICSI ने भी लिया हुआ है दोस्तों 17th of June पे, जो है ऑप्ट आउट ऑप्शंस का ही है। तो वो क्या डिसीजन है वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अटेंशन स्टूडेंट्स, कैरी फॉरवर्ड ऑफ जून 2020 एग्जाम सेशन फीस टू दिसंबर 2020 एग्जाम सेशंस। अब ये कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा उन्होंने बता दिया सारी चीज़ें। नीचे पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सेम डिसीजन जो ICAI ने लिया है वही सेम डिसीजन ICSI ने भी लिया हुआ है। देखिए, हम लोग पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते दोस्तों। एज द स्टूडेंट्स आर अवेयर, द जून 2020 सेशन ऑफ CS एग्जामिनेशन इज नाउ रीशेड्यूल टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020 ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक। ये तो पता है आप लोगों को कि ऑलरेडी जून का एग्जाम अगस्त में पोस्टपोन कर दिया गया था। इन अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट COVID-19 क्राइसिस, सम ऑफ द स्टूडेंट इनरोल फॉर जून 2020 सेशंस में विश टू अपियर इन दिसंबर 2020 सेशन ऑफ एग्जामिनेशन। इंस्टेड ऑफ अपियरिंग फॉर जून 2020 एग्जामिनेशन सेशन, स्टूडेंट मे बी कंसर्न अबाउट द एग्जामिनेशन फीस ऑलरेडी पेड बाय देम फॉर जून 2020 सेशंस। यानी अभी बहुत लोगों का, यानी इंस्टीट्यूट ने ये बोल दिया कि अगर जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो जून 2020 एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे तो वो दिसंबर्स में देना चाहते, तो इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि आपने जो भी फीस भरा है ना वो दिसंबर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। और वो कैसे, क्या क्या प्रोसीजर्स है वो भी उन्होंने, इंस्टीट्यूट ने सारी चीज़ें बता दी है। अब वो हम लोग देखते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सच स्टूडेंट, द इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड एज अंडर टू अलाउ सच स्टूडेंट टू ऑप्ट आउट दिसंबर 2020 एग्जाम सेशन इंस्टेड ऑफ जून 2020 एग्जाम सेशंस। उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप लोग सीधा ऑप्ट आउट कर सकते हैं दिसंबर 2020 एग्जाम सेशंस में। कैरी फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन फीस ऑलरेडी पेड बाय द स्टूडेंट फॉर द मॉड्यूल फॉर विच दे हैव इनरोल फॉर जून 2020 एग्जाम। यानी जो भी आपने ग्रुप या मॉड्यूल आपने सेलेक्ट किए वो फीस डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी दिसंबर एग्जामिनेशंस के लिए। स्टूडेंट डिजायर ऑफ इनरोलिंग फॉर एडिशनल नंबर ऑफ मॉड्यूल, यानी अगर आप ग्रुप 1 से या 2 दोनों कंप्लीटली देना, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल जून में फर्स्ट ग्रुप दे रहा था या तो फर्स्ट मॉड्यूल दे रहे थे, अब आप चाहते हो कि दिसंबर में दोनों ग्रुप और दोनों मॉड्यूल देने का चाहते हो, तो आपको सिर्फ एडिशनल फीस देना है, जो मॉड्यूल के एडिशनल फीस है वही आपको देना पड़ेगा दोस्तों। थर्ड पैराग्राफ में ये लिखा है। फोर्थ पैराग्राफ में पार्शियल कैरी फॉरवर्ड एग्जाम फीस शैल नॉट बी अलाउड, यानी पार्शियल, फॉर एग्जांपल इफ एनी स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर अपीयरिंग इन 2 मॉड्यूल्स इन जून 2020 एग्जाम सेशंस बट नाउ ही वांट टू अपीयर इन ओनली 1 मॉड्यूल इन जून 2020 एंड ही वांट टू कैरी फॉरवर्ड फीस फॉर अनदर मॉड्यूल टू दिसंबर 2020 एग्जाम सेशन दैट विल बी नॉट अलाउड। ये आप लोग को पैराग्राफ पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि अगर वो चाहता है कि मतलब कि दोनों मॉड्यूल का उसने एग्जामिनेशन फीस भर दिया है, अब वो एक मॉड्यूल अभी दे रहा है
यानी ये एग्जाम्स में देगा और नेक्स्ट नेक्स्ट मॉड्यूल का एग्जाम दिसंबर में देगा, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, ये सारी चीज़ नहीं चलेगा। अब उसको किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना है वो सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया कि स्टूडेंट कौन से वेबसाइट पे जाना है, क्या क्या सारी चीज़ें, यानी जो आप लोग को क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें नीचे बता दिया है दोस्तों। तो ये PDF की कॉपी भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जाके डाउनलोड करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो मैं दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोग से करना चाहता हूँ कि मैं इसी तरीके से इनकम टैक्स, GST कंप्लायंसेस, ROC कंप्लायंसेस, लेबल और कंप्लायंस पे वीडियो बनाता हूँ विद प्रैक्टिकल सेशन दोस्तों। और इंस्टीट्यूट के कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होते हैं, जैसे कि आज का अनाउंसमेंट यानी 17 जून का अनाउंसमेंट है जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, इस पर वीडियोज बनाता हूँ। तो अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल पर आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ये अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा दोस्तों, कि उनको भी पता चल जाए कि ऑप्ट आउट स्कीम ICSI ने भी लेकर आ गई है। तो यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।